हमारे अंबागढ़ चौकी में तहसीलदार के नहीं रहने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों की पढ़ाई जून जुलाई में शुरू होता है, उस समय आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी होता है। किसानों को खेती का बंटवारा, फौती नामांतरण, खेती में जो विवाद होता है, इस समय तहसीलदार का रहना अति आवश्यक होता है। तो क्यों बैठे हैं यहाँ? तहसीलदार नहीं है, बोलती है तहसीलदार आएगा तब होगा काम। आज पहले बार आए हैं या इसके पहले और आए थे? दो बार हो गया। मैं यहाँ पर अपनी बहन की आय और जाति बनाने आया हूँ, परंतु यहाँ मैं 5 बार आ चुका हूँ और तहसीलदार न रहने के कारण मेरे को भारी दिक्कत होती है। उतना दूर से आता हूँ, परेशानी होती है और वहाँ पैसा का भी खर्चा होता है, इसलिए बार बार चक्कर काट रहा हूँ। परंतु यहाँ पर तहसीलदार नहीं रहने के कारण आय जाति नहीं बन पा रहा है और हमारा काम और हमारा समय नुकसान होता है इससे। तहसीलदार के नहीं रहने से यहाँ छात्रों को भी कई परेशानी हो रही है, उनकी आय जाति का प्रमाण पत्र समय में उपलब्ध नहीं हो पाता। अंबागढ़ चौकी में वर्तमान में जो पदस्थ तहसीलदार है वे मोहला मानपुर चौकी तीनों ब्लॉक देखते हैं, इसलिए कभी 1 घंटा या कभी 2 घंटा के लिए आते हैं। 2 बजे तक काम करेंगे वहाँ, एक लंच तक। हाँ। उसके बाद यहाँ का वहाँ भी पेशी रहती है। अच्छा। पहले यहाँ आते फिर वहाँ। गाँव के किसान लोग दूर दूर से आते हैं, भूखे प्यासे दिन भर बैठ कर इंतजार करते हैं और काम नहीं होने से वो लोग वापस चले जाते हैं निराश होकर। हम चाहते हैं कि तहसीलदार यहाँ नियमित आए और अपना कार्यभार संभाले, इस तरह से सरकार की जो कमियां है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करे। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया हट के लिए।